ब्यूरोक्रेसी अपने अपने चलाना शुरू कर देती है। कसूर में आने का मकसद ये था क्योंकि ये फीडिंग एरिया है, क्राइमिया खान से 10 लोगों ने आना है तो उनका कोई 1,00,000 लगना है, यहाँ पे 1,00,000 में हम 2-3 बसें करके वहाँ पहुँच सकते हैं। जिसने वहाँ से आना है वहाँ से, अगर हम सोचते हैं 10-15 लोग भी आ जाए तो बड़ी बात होती है, लेकिन लाहौर कसूर शेखपुरा ननकाना ये डिवीजन असल में जब भी मतलब फेडरल में जरना था हम उनको राजा औरंगजेब साहब और बाकी लोगों को कहते हैं कि यार रावलपिंडी डिवीजन से लोग इकट्ठे करें, और डेफिनेटली कसूर से थोड़े लोग जाएंगे, इतना लंबा सफ़र और इतना पैसा और इतना यार सारे अपनी फैमिलीज वाले हैं बड़े महदूद वसाई के बाद मतलब हम मैनेज करते हैं। और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ जो यूनियन में काम करते हैं, लोगों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, लोगों के लिए सहूलतें पैदा करते हैं, ये तो छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, ये मैं कहता हूँ ये तो नंबरों का सेवा है, लोगों के लिए आसानियाँ सहूलतें लोगों का काम का मतलब ये तरीक है कि हम लोगों के लिए सहूलतें पैदा करते हैं। और अलामा साहब अभी फरमा रहे थे कि जो दूसरों के काम के लिए जल्दी करता है अल्लाह पाक के लिए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप वो नाम याफ्ता लोग हैं जो लोगों के लिए निकलते हैं और जिसके लिए अल्लाह पाक जो है आपकी मुश्किल की आसानी के लिए मामला चलाता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि 11 बजे 15 मार्च को सिविल सेक्रेटरिएट के सामने हमने पहुँचना है, और सिविल सेक्रेटरिएट का सामने वाला जो पोर्शन है मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे हो जाए तो कोई जगह बचती नहीं है, वो सारा एरिया भर जाना है उससे। और आपको ये भी मतलब पक्की उम्मीद होनी चाहिए कि देखिए 25% तो पहले हमें मिला है, चाहे वो युवा नगड़ा जिन्होंने रक्स दिया लेकिन हमें मिला है, और वो चाबी कहाँ से लगी थी वो फेडरल के नोटिफिकेशन में इसी तरह लिखा था कि तमाम जो चीफ सेक्रेटरी है उनको डायरेक्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि जो सरकारी आदमी को अपने सूबे के दें बाय देयर ओन फंड, और सिमिलर वर्डिंग अभी भी इसी तरह से। और ये भी मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त फेडरल सिपाही सेक्रेटरी के ट्रांस डिपार्टमेंट ने सुना है कि उसी समय में आके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा करवा दी है, तो मतलब इसकी उम्मीद हमें हर सूरत, और ये किसी लीडर को सिर्फ नहीं मिलना, हर उस सरकारी मुलाजिम को मिलना है जो कि चाहे वो ग्रेड 1 का है चाहे वो ग्रेड 19 का है। हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा है उसमें पे प्रोटेक्शन भी रखी है, हमारे स्कूल के जो साथ हैं जो एजुकेटर्स हैं आपको पता है उनकी रेगुलराइजेशन फ्रॉम डे 1 होना बाकी है, हमने वो उसके ऊपर भी डेटा के ऊपर रखा है। इन्फ्लेशन के लिहाज से जो आपका जो अलाउंसेज है उसकी यूनिफिकेशन वो फेडरल पे चल रहा है, हमने सिपाही मुताबा सिपाही सरकार पर रखी है, और फेडरल के जो रहमान बाजवा साहब हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर अभी है उनके मुताबिक ये है कि कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है, और 25 मार्च तक उनकी रिकमेंडेशन के एक्शन की कमेटी जो है वो गवर्नमेंट को दे देगी। और ये भी कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाउस क्योंकि रिवीजन ऑफ हाउस रेंट वगैरह ये सारी ऊपर से होनी होती है, फेडरल इस पर बिल्कुल सीरियसली काम कर रहा है, अभी जो बहरहाल एक इंस्टेबिलिटी ऑफ दी गवर्नमेंट है वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती है, बहरहाल ये उल्टी आती जाती रहती है, सरकार हम हैं गवर्नमेंट के मुलाजमीन, और जब आप अपने मुलाजमीन को सेटिस्फाई नहीं करते, जब आप अपने मुलाजमीन को डिसअपॉइंट और मायूसी की तरफ लेके जाते हैं तो स्टेट की मशीनरी नहीं चल सकती। और मैं आपके सामने बड़ा क्लियर कट बताता हूँ कि आज अगर हम ये धैया कर लें, हमारी लीडरशिप की ऐलान कर दें कि लोग पूरे पंजाब के तमाम स्कूल के कॉलेज बंद होंगे एक दिन के लिए, आप देखेंगे सारी हुकूमत उनकी छुट्टी हो जाएगी, उसका काम चल नहीं सकता। और जितने स्टूडेंट हमारे मीडिया में बैठे हैं क्या किसी और के हो सकते हैं, हमारे बच्चे हमसे पढ़ के आज अखबारों में बैठे हैं, हम इसको जितना हाईलाइट करते हैं उतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेशन और वर्किंग की है। अगर हर क्लास ये सोच ले कि ये सिर्फ लीडरशिप का काम नहीं है, ये मेरा भी काम है और ये मेरा, मैं इसको अपने तौर पर लेके चलूँगा, किसी और की जिम्मेदारी है या नहीं है, कोई और काम करता है या नहीं करता, मैंने ये काम करना है, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम पहले भी चूमी है और इस तरह भी चूमेगी, और इंशाल्लाह मुझे ये कभी उम्मीद है कि 15 माह से पहले पहले मुझे प्रेशर हो जाएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी ये एक्टिविटी चल रही है इसको सोशल मीडिया पे जो है मैक्सिमम जो है वो भेजा जाए, आपके जो फेसबुक के पेजेस हैं वहाँ पर लगाया जाए, क्योंकि ये जो 10 मार्च से पहले
बची हुई थी, एजेंसियों ने रिपोर्ट किया, ये तो हर तरफ से लोग आने के लिए तैयार है, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। जो फेडरल इस्लामाबाद की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस थी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बाद आईएसआई और बाकी जो मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने मतलब हमारी क्या से रब्ता किया, वो खुदा के लिए इन लोगों को उधर ही रोके, हम 15% की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और अगर वो ना रोकते तो इस्लामाबाद में ये समझकर वो पूरा इलाका जो है वो जैसे पिछले 10 फरवरी को आपने देखा था तो 70,000 से ज़्यादा अखबारों ने रिपोर्ट किया था कि इनकी तकलीफ, इससे भी ज़्यादा मुलाकिन आ रहे हैं। अभी इस दफा 15 मार्च को मिली लेबर फेडरेशन, पैगाम यूनियन, नेशनल हेल्थ इरीगेशन, एप्का, सब के सब लोग, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो हमारे उस्ताद की है, और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस अजूबा में इस वक्त स्वाय एक जो अलग अलग गुजर वगैरह थे तमाम की तमाम एसोसिएशन है, एजुकेटर्स के तमाम, एस सी एस यूनियन पास, सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे है, और अब ये कामयाबी हम ना ले सके तो ये हमारी क्यादत के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होगा। इंशाल्लाह ये कामयाबी आपकी ताकत से, आपके आपकी स्ट्रेंथ से मिलती है, और ये स्ट्रेंथ इंशाल्लाह 15 मार्च को सेक्रेटरी के पास पहुँचेगी। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ सब मैक्सिमम दोस्त वहाँ पहुँचे, अपने स्कूल को मैनेज कर लें, इंशाल्लाह हम वहाँ पर पहुँचेंगे और मैनेज कर लें। जो दोस्त नहीं जा सकते, मैं कहता हूँ फंड फंड भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मूवमेंट के लिए, अपने लीडरशिप को अपने अपनी पार्टी के साथ जो चाहिए वो जो जहाँ जहाँ उनको अपनी लीडरशिप को फंड दें, ताकि इरीगेशन ऐप का सब के सब लोग, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो हमारे उस्ताद की है, और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस अजूबा में इस वक्त स्वाय एक जो अलग अलग गुजर वगैरह थे तमाम की तमाम एसोसिएशन है, एजुकेटर्स के तमाम, एस सी एस यूनियन पास, सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे है, और अब ये कामयाबी हम ना ले सके तो ये हमारी क्यादत के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होगा। इंशाल्लाह ये कामयाबी आपकी ताकत से, आपके आपकी स्ट्रेंथ से मिलती है, और ये स्ट्रेंथ इंशाल्लाह 15 मार्च को सेक्रेटरी के पास पहुँचेगी। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ सब मैक्सिमम दोस्त वहाँ पहुँचे, अपने स्कूल को मैनेज कर लें, इंशाल्लाह हम वहाँ पर पहुँचेंगे और मैनेज कर लें। जो दोस्त नहीं जा सकते, मैं कहता हूँ फंड फंड भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मूवमेंट के लिए, अपने लीडरशिप को अपने अपनी पार्टी के साथ जो चाहिए वो जो जहाँ जहाँ उनको अपनी लीडरशिप को फंड दें, ताकि अदारे भी चलते रहें, हम लोग और साथ अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाते रहें, और हम आपके लिए भी लड़ते रहें। आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बस हुआ।